हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो एकॉर्ड व्लॉग्स में। आज हम आए हैं विजयगढ़ के किले पर, तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। ये है विजयगढ़ के किले का सीढ़ी जो कि विजयगढ़ के किले की तरफ जाता है, तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और ऊपर चलने के बाद ही कोई नई बातें करते हैं। तो चलिए हम ऊपर मिलते हैं आपसे। तो हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर आने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इसकी सीढ़ियां बहुत खड़ी सीढ़ी हैं, यानी कोई भी आए तो स्टेमिना बना के आए क्योंकि बहुत ज्यादा उसको थकावट आएगा। और साथ ही आपको ये बता दें कि ये जो पहाड़ी है इधर के क्षेत्र में सबसे बड़ी पहाड़ी मानी जाती है। तो हम फाइनली आ गए हैं विजयगढ़ के दूसरे दरवाजे पर, क्योंकि ये विजयगढ़ के पीछे का दरवाजा है। वैसे दरवाजा है नहीं, बाद में बनाया गया। तो पीछे का ये सीन देखिए बहुत ही सुंदर है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 400 फीट है, जिसमें कि ये पहाड़ी इधर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी पहाड़ी है ये वही पहाड़ी है। इधर सबसे बड़ी पहाड़ी यही है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं। हम आपको बता दें कि ये जो किला है ये किले का मेन द्वार नहीं है, इसको बाद में बनवाया गया है। इस सीढ़ी को 2015 में बनवाया गया है। यहाँ पे देखिए एक शिलालेख भी है जिसका उद्घाटन किया गया है। असल में ये एक दरवाजा हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे सैनिकों का पहरा हुआ करता था, नीचे खाई थी। लेकिन समय के साथ जब समय का बदलाव हुआ तो लोगों ने रास्ता देख के इसको बना दिया। तो ये है यहाँ का रास्ता अंदर जाने का, क्योंकि उधर से अगर आना होगा तो आपको धरौली डैम से होके आना पड़ेगा, जो जंगलों से होते हुए आना पड़ता है और बहुत ही खतरनाक रास्ता है, पूरा जंगलों से भरा पड़ा है। तो इसलिए ये पीछे का रोड है, यहाँ पे चहल पहल भी रहती है, आप आराम से आ सकते हैं। तो हम आ गए हैं ऊपर, अब हम अंदर एंट्री ले लिए हैं। अभी तक तो हम प्रांगण में हैं, अब हम आगे चलते हैं और आपको इसकी बहुत सी ऐसी कहानियां बताते हैं जो आपने सुनी तो होंगी, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो आपने नहीं भी सुनी होंगी, जैसे कि बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार अपनी जगह से गिर रही है। ये दीवार पे देखिए, ये जो आप छेद देख रहे हैं ये छेद है ऊपर से दुश्मनों को नीचे मारने के लिए, गोली हुआ या फिर पत्थर मारने के लिए या देखने के लिए बहुत कुछ। और इस दीवार की मोटाई 2.5 से 3 फीट मोटी दीवार है, जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत है। वैसे समय के साथ ये झुक गई है, ये कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं, इसकी कहानियां भी बताते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे 4 तालाब हैं, जिसमें कि 2 तालाब कभी नहीं सूखते। तो चलिए हम उन तालाबों के पास पहले चलते हैं, उसके बाद हम बाकी की बातें आगे करेंगे। तो चलिए हम पहले उन तालाबों के पास चलते हैं कि देखें ऐसा उन तालाबों में क्या है कि ये तालाब कभी नहीं सूखते। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये सैनिकों को टहलने की जगह हुआ करती थी, मतलब ये किले का किनारा हुआ करता था, तो जो अब समय के साथ खंडहर बन गया है जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। तो चलिए हम पहले तालाब देखने चले, क्योंकि ये तालाब कभी नहीं सूखते, जिसका एक नाम है राम सागर, एक है मीर सागर, तो जिसमें 4 तालाब है। तो पहले देखते हैं कौन तालाब कहाँ पड़ता है, अभी तो हम एंट्री ही ले रहे हैं। तो पहला तालाब ये पड़ा जो कि पीछे के दरवाजे से पहला तालाब है, मतलब एंट्री गेट से पहला तालाब है, जो कि दूसरा पहला हो गया है। तो ये तालाब स्पेशली सैनिकों के लिए, घोड़ों के लिए और जो भी मतलब मजदूर वर्ग, कमजोर वर्ग होता था ये उनके लिए है। और ये तालाब सूख जाता है, ये समय के साथ होता है। आप गर्मियों में आएंगे तो ये तालाब सूख जाएगा। आप यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक अस्तबल है, जो कि ऊपर का छाजन पूरी तरह टूट गया है क्योंकि 900 साल पुराना किला है। उसके बगल में एक और ये तालाब है, देखिए ये तालाब इस समय सूखा हुआ है, जो बहुत छोटा तालाब है। और ये घोड़ों के लिए और हाथियों के लिए पानी पीने की जगह हुआ करती थी, मतलब जो भी जगह होती थी, जो भी जानवर होते थे उनकी ये पानी पीने के लिए जगह होती थी। तो ये है अस्तबल घोड़ों को रखने के लिए, इसमें लोग हाथी भी रखते थे, पर इतने कम एरिया में कैसे रखते होंगे, हो सकता है कुछ और भी रहा हो जो टूट गया हो। तो ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये स्थान है घोड़ों को, हाथियों को, मतलब ये पशु को ही रखने के लिए बनाया गया था। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सा तालाब है। तो आगे बढ़ने पे एक आपको यहाँ पे माँ जी का सिंबल मिलेगा, आगे बढ़ने पे कुछ दूर चलने पे आपको एक और तालाब दिखेगा। ये देखिए, ये है राम सागर तालाब, जिसकी गहराई आज तक किसी ने नहीं बता पाया, और ये कब का है ये भी कोई नहीं बता पाता। वैसे कहा जाता है कि इस तालाब को
राम सागर के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये कभी सूखता नहीं है और जो भी बीमार उमार होता है इसमें नहाता है उसका बीमारी उमारी भी सब ठीक हो जाता है। तो जो राम सागर तालाब है उसके बगल में इस तरह का आपको हमेशा कुटिया दिखेगा क्योंकि यहाँ पे हमेशा यज्ञ योग्य होता रहता है। तो आप जब राम सागर तालाब से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको रंग महल दिखेगा जिसको कि चंद्रकांता का महल या चंद्रकांता के किले के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता ही है कि 1994 में एक चंद्रकांता सीरियल आता था डीडी नेशनल पे जो कि बहुत ही फेमस सीरियल हुआ करता था उस समय का, जिसको देविकी नंदन खत्री ने लिखा था। तो ये वही है, इसको 1049 में बनवाया गया था। एक विजयपाल करके एक राजा हुआ करते थे, महाराज विजयपाल, ये दीवारें ये नक्काशी उन्हीं ने 1049 में बनवाई थी, मतलब कि आज से 900 साल पहले, 900-950 साल पहले। और ये इतने ताखे जो आप देख रहे हैं ये ताखे इसलिए होते थे क्योंकि उस समय ज्यादा लाइटें होती नहीं थी, तो उस समय ज्यादा ये लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ या फिर मसाले हुई या फिर जो भी हो उनकी रखने की ये जगह हुआ करती थी। तो ये महल 1994 से 1996 में एक चंद्रकांता सीरियल के जरिए बहुत ही फेमस हुआ। यहाँ पे तीन महल है, तीन पार्ट में बटा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे तीन आंगन बने। वैसे जो ये मुख्य महल है ये पीछे की दीवार का सबसे कोरा हिस्सा था, इसलिए ये कोना हिस्सा था क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सुरक्षा हुआ करती थी, पीछे से कोई दुश्मन आता नहीं था। तो इसलिए मेन महल जो मुख्य महल है, मतलब मुख्य किला जो है, जो चंद्रकांता का ये किला है जो आप देख रहे हैं पूरे नक्काशियों से बना पड़ा है और पूरी तरह खंडहर हो गया है, तो ये किला पीछे के दीवार का ही सबसे ज्यादा सपोर्ट लेके रहता था क्योंकि पीछे से शत्रुओं का हमला बहुत कम होता था। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, आपको दिखा दें कि ये किला जो है पूरी तरह खंडहर हो चुका है, जिसको कि रंग महल के नाम से जाना जाता है, चंद्रकांता के महल या चंद्रकांता का किला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे कई जगह रहस्यमयी दरवाजा भी है पर कहाँ कहाँ है अभी ये तो नहीं पता, और कई जगह यहाँ पे अनेकों सुरंगे हैं जो नौगढ़ और जाते हैं, चुनार जाते हैं, वैसे यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा है। देखिए अगर ये इसी तरह गिरता रहा जो आप देख रहे हैं तो कुछ ही दिन में, आने वाले 10-20 साल में यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये समतल हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंदर तो ले लिया पर अंदर लेने के बाद इसके ऊपर कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य, कुछ भी नहीं करता। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये कुछ ही दिन के बाद बेकार हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं। तो चलिए अब हम आप बाहर चलते हैं, आपको पहला आंगन हम दिखा दिए। अब हम पहले आंगन के बाद अब हम चलते हैं दूसरे आंगन में, दूसरे आंगन के बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम बाहर निकलते हैं। तो हम बाहर आ गए हैं, बाहर आने के बाद ये किले का पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे कुछ खास बातें तो नहीं है लेकिन भाई किले का हिस्सा है, 900 साल बनाया हुआ किला है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, एक नजर देखते हैं कि अंदर कुछ खास नहीं है, अगर खास नहीं होगा तो हम जल्दी ही बाहर आ जाएंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं, उसके बाद हम आपको बता दें कि इस किले को महाभारत में भी मेंशन किया गया, मतलब इस नाम से नहीं मेंशन किया गया है, वहां पे विजयगिरी के नाम से मेंशन किया गया है। मतलब अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये पहाड़ जिसको हम विजयगढ़ के नाम से जानते हैं, पहले ये कभी विजयगिरी हुआ करता था और ये बहुत ही पुराना है। और यहाँ पे जो आप दो पोखरे देख रहे हैं ये इसलिए इतने इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज से 5000-6000 साल पहले जब महाभारत हुआ था तो उस समय यहाँ पे पानी की व्यवस्थाएं यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ करती थी, मतलब अगल बगल तो नदी थी ही लेकिन ये जो पहाड़ है ऊपर हमेशा पानी रहता था, इसलिए इस पहाड़ का बहुत विशेष महत्व शुरू से ही था। तो बाद में समय बदला, राजा का शासन आया तो राजा के शासन में लोग हड़प नीति लाए, हड़प नीति में ये कई लोग के पास गया, फिर ये लास्ट में चेत सिंह के पास गया जो बनारस के राजा थे, उसके बाद ये अंग्रेजों के पास चला गया। तो ये है देखिए इस कमरे में यहाँ पे पेड़ है, पेड़ जो है पूरे पूरे के पूरे दीवार को पकड़ा पड़ा है, अगर ऐसे ही रहा तो ये सोच लीजिए कि किला ज्यादा ज्यादा दिन नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ पे 10 साल बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे और 10 साल बाद देख के अगर आएंगे घूमने तो पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, खंडहर बन चुका है। तो ये एक स्मारक के तौर पे ये वीडियो ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये किला इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे
बहुत पहले से पानी की कभी कमी ही नहीं हुई और अगल बगल इतनी पहाड़ियां हैं जहां पे कुछ नहीं है। तो हम वहां के आंगन से निकल गए हैं। कुछ दूर चलने के बाद यहां पे मीरा शाह का दरगाह दिख रहा है, मतलब यहां पे मजार है उनका, और उन्हीं के बगल में ये पानी का एक दूसरा स्रोत है जिसको मीरा शाह सागर के नाम से जाना जाता है, जिसको हमने आपको दिखाया। मीरा शाह सागर के बगल में ही मीरा शाह का मकबरा है। मकबरा के बगल में एक और किला है जो सैनिकों के लिए खास करके होता था, वैसे इसमें राजा भी रहते थे। यहाँ पे दरबार लगा करता था, यहाँ पे रंगरलियां मस्ती थी, यहाँ पे नाचते गाते थे लोग, यहाँ पे मंत्रिमंडल भी बैठता था और सबसे ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा इसके पीछे वाले हिस्सा में हुआ करता था। वैसे ये ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जो भी है जितना भी है इसी में सैनिकों के हिसाब से एडजस्ट किया जाता था। फिर बाद में ये ब्रिटिश सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ से बिहार के अधिकतर हिस्सों को घेरा जा सकता था, देखा जा सकता था और उस पे हक जमाया जा सकता था। तो ये किले का तीसरा आंगन है, मतलब इस क्षेत्र का ये तीसरा किला है और तीसरे किले होने की वजह से ये तीसरा आंगन है। तो जो ये भी जर्जर हो चुका है, यहाँ पे भी अब कुछ बचा नहीं है, समय के साथ ये भी खराब हो चुका है, इसका भी अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं भीमताल में, जो कि इस किले का प्रमुख द्वार था और वहाँ पे समुद्रगुप्त के समय का, चित्रगुप्त से पहले जो समुद्रगुप्त थे, समुद्रवर्धन थे, जो भी नाम था हमें अभी क्लियर नहीं है, तो समुद्रगुप्त थे, उनके समय की एक लिपि है, एक पत्थर है जो कि बहुत ही यूनिक है। तो जाते जाते यहाँ पे एक दिखा दे कि यहाँ पे किसी गाय का या फिर किसी चीज का यहाँ पे खोपड़ी है जो कि हड्डी के रूप में केवल बचा हुआ है, उसका सींग उंग भी दिख रहा होगा आपको। तो चलिए अब हम वहां चलते हैं भीमताल में, जो कि अब भीमताल के नाम से बोला जाता है, पहले ये मुख्य दरवाजा हुआ करता था जहां पे हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो चलिए हम वहां पे चलते हैं। चलते चलते आपको यहाँ की नक्काशियां भी दिखा दें। नक्काशियां आज से 1,000-1,500 साल पहले की हैं जो कि अभी भी बरकरार हैं, और अगर भारतीय पुरातत्व विभाग इनका ध्यान नहीं देगा तो ये बेकार हो जाएगा। तो कुछ दूर चलने के बाद यहाँ पे भीमताल दिखा, जिसको कि अब नए रास्ते से जाना जाता है। वैसे ये पुराना रास्ता है जो धरौली डैम से होते हुए आता है, तो ये रास्ता जंगलों से होते हुए आता है, इसलिए इस रास्ता को कोई महत्व नहीं देता था। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त के हाथ का लिखा हुआ, मतलब उनके समय का बना हुआ, उन्हीं के भाषा में एक लिपि लिखी हुई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए यही वो लिपि है। यहाँ पे देखिए ऊपर सूरज और चंद्रमा दिखाए गए हैं, बीच में हाथ दिखाया गया है और ऊपर दो स्त्रियां और नीचे भी एक स्त्री है जो भाला ली हुई है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे आएंगे पास से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। पूरे किले का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही लगा। वैसे किले तो बहुत थे, बहुत कुछ थे, क्या था, लेकिन ये पार्ट पूरे किले का सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिये सीढ़ियां भी खड़ी है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कहिए मत। यहाँ पे जब आएंगे तो आपको बड़ा अजूबा सा लगेगा। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और ये चिन्ह अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। अगर इसका कार्बन डेटिंग देखा जाए ना, तो ये कम से कम 2,500 साल पुराना निकलेगा, क्योंकि ये समुद्रगुप्त से पहले का है। मतलब ये इतना पुराना है कि अगर इसका देखा जाए तो ये ईसा मसीह से पहले का ही लगता है, क्योंकि ये लिखावट जो है एक्चुअली हमें पता तो नहीं है, लेकिन जब गूगल लेंस से हमने इसको देखा तो ये लिखावट का जो तरीका है ये आज से 2,500 साल पहले का दिखाया है। तो वैसे ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं, आपको एक झलक में दिखा देते हैं कि ये पीछे का, मतलब जो प्रमुख द्वार है, अब जो पीछे का द्वार हो गया है ये कैसा है। वैसे ये भी तो अब पूरी तरह खंडहर हो गया है, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे जो इमारत की दीवार के जो गुंबद ये देखिए बीच में से पूरी तरह फट के टूट चुका है, कभी भी कहीं से भी गिर सकता है। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये किले के पीछे का हिस्सा है। तो अगर आप आइएगा यहाँ पे जब भी, तो आपको आने के लिए एक चीज आपको बता दूं कि गूगल मैप के सहारे मत आइएगा। गूगल मैप के सहारे कुछ दूर तो आ जाइएगा, फिर रॉबर्ट्सगंज में जब आप आ जाएंगे तो लोगों से पूछ के ही आएगा, क्योंकि गूगल मैप आपको कहीं भी किसी भी तरह किसी भी क्षण आपको धोखा दे सकता है। तो चलिए हम आपको विजयगढ़ किले को जितना हो सकता था अपनी तरफ से बेहतर दिखा दिए, और जब भी आप आइएगा तो ये जो समुद्रगुप्त का आपको चिन्ह दिखाया है, हो सकता है ये समुद्रगुप्त के पहले का हो, लेकिन ये जो लिखावट है ये गूगल लेंस के माध्यम से हमें पता चला कि ये 2,500 साल पुराना है। तो जो भी है, जैसे भी है, यहाँ पे आप जरूर आइएगा, क्योंकि पूरे किले में तो खंडहर मचा हुआ है, लेकिन ये स्थान जो है ना ये किले का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो आप यहाँ पे जरूर आइएगा, क्योंकि ये सबसे बेस्ट पार्ट है। तो चलिए
हम चलते हैं, ये किले का कचहरी हुआ करता था, सीढ़ी पे चढ़ने पे ही ये कचहरी हुआ करता था, इसलिए ये कुछ खास नहीं है, बस खंबे खंबे लगे हुए हैं, जगह जगह टूटा हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। तो हमारे वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए अब हम अगले वीडियो मिलते हैं।